ओके शिवानी, फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप घर से बेघर हुई, हम आपसे जानना चाहेंगे आप अपने एडवेंचर से खुश हैं या फिर कुछ और ज्यादा एक्सपेक्टेशन, जिस तरह से लोग गेम आपका देख रहे थे, यू नो शिवानी को फिनाले तक देख रहे थे, आप क्या कुछ करना चाहेंगे? फिनाले तक की उम्मीद तो मेरी भी थी कि हम फिनाले में जाएंगे, ये तो मैं 100% में ये थी कि मैं फिनाले तक जाऊंगी, लेकिन घर की वोटिंग से मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन बाहर की वोटिंग से अगर होता तो मैं बाहर नहीं आती, क्योंकि मुझे जनता मुझे बहुत पसंद कर रही थी और बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रही थी, लेकिन गेम कुछ और था, घर की वोटिंग थी तो मुझे निकलना पड़ा। फिनाले बस थोड़ी दूर पे फिनाले था और वहाँ से आई हूँ तो दुख तो हुआ था, फिनाले नहीं देख पाई। ट्रॉफी जीतने का सपना था, क्योंकि सब शहर से थे, गांव से हम थे, तो वो लड़कियां मुझे गांव से देखती हैं कि शिवानी गई है बिग बॉस में, जो बिग बॉस नहीं जानती थी, जो मेरे बदौलत बिग बॉस देखना स्टार्ट करी थी, तो मेरा हौसला बहुत बढ़ रहा था कि नहीं हम गांव से आए हैं तो हमें ट्रॉफी जीतनी है, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया, मैं घर से बेघर हो गई हूँ। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जितना जनता का प्यार देखा, ट्रॉफी जीतने का सपना था, लेकिन जनता का प्यार देखते ही ट्रॉफी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ हो गई कि ट्रॉफी नहीं जीत पाई, इस प्यार के आगे तो ट्रॉफी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शिवानी, जैसे कि आपने कहा गांव के लोग, अफकोर्स आपकी वजह से लोग गांव के ऐसे लोग भी देखना स्टार्ट किए बिग बॉस, जो कि नहीं जानते थे जी, और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अनफेयर हुआ है बिग बॉस, जहां अरमान फैमिली को इतने ज्यादा एडवांटेजेस मिले उन्हें, आपको अगर वो मिलता तो कहीं ना कहीं अभी तक आप टिकी रहती, क्योंकि उन्होंने हाथ छोड़ दिए, पुश कर दिया, इवन उनकी पत्नी कृतिका ने भी आपको पुश किया था विदाउट, आपने हाथ नहीं लगाया था, तो आपको लगता है बिग बॉस कहीं ना कहीं उनके तरफ ज्यादा ही फेयर दिखा रहे हैं? बिग बॉस को मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिग बॉस का तो मैं सम्मान करती हूं कि मुझे बिग बॉस ने बुलाया, गांव की लड़की बिग बॉस में जाती है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। सबसे पहले मैं बिग बॉस का धन्यवाद करती हूं कि जो मुझे वहां बुलाया, एक मौका दिया, मुझे सारी दुनिया देख रही है, आप सब लोग इतने कैमरे लेके खड़े हैं, तो ये बिग बॉस की देन है जो आप लोग मेरे सामने हैं। क्वेश्चन ये था कि आपको लग रहा है कि अरमान फैमिली के साथ फेयर हो रहा है और बाकी कंटेस्टेंट के साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार अरमान मलिक का बिहेवियर है बिग बॉस के घर के अंदर, लोगों के ऊपर हाथ उठाना, कृतिका का भी आपके साथ नोकझोंक, ये इसमें बिग बॉस का कोई वो नहीं है कि बिग बॉस कर रहे हैं ये सब, वो अंदर जो भी जनता है, जो भी अंदर लोग हैं, उनकी वजह से ये होता है कि अब तुम वो संचालक, मैं संचालक बनी थी, वो कैप्टन बन गए, कैप्टन बनने के बाद उनके ऊपर पावर चली जाती है कि ये किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो घर के अंदर लोगों पे ही है, अब वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं ये मैटर करता है। शिवानी, स्टार्टिंग में इनिशियल डेज की बात करूं तो आपकी आवाज को लेकर लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे जी। इनफैक्ट बाहर भी कुछ सेलेब ने यू नो पोस्ट किए थे हमें दूसरी मनीषा रानी नहीं चाहिए, क्या कहना चाहोगी आप इस बात को लेकर? बात को लेकर मेरी जो आवाज थी बिल्कुल, हम जैसे अभी बोल रहे हैं ऐसे ही सेम घर पे भी बोल रहे थे, तो मुझे मेरी आवाज़ को लेके बोलते थे कि इसकी आवाज़ कानों में चुभती है, ये बदतमीज है, ये गांव से आ गई, पढ़ी लिखी नहीं है, माना मैं पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ी, वो लोग सब शहर से हैं और इंग्लिश मीडियम के सब पढ़े लिखे हैं, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अपनी मेहनत करके प्राइवेट में भी पढ़े, जितनी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर पाई मैंने वो की है, अगर मैं भी उनके जैसे इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ी होती तो उनसे आगे हम भी होते, उनके डट के सामना कर पाते, तब भी हमने डट के सामना किया है, जनता जानती है। शिवानी, अब आपका रुख किस तरफ है, किसको आप सपोर्ट करना चाहोगी, सना मकबूल के साथ आज भी आप रहना चाहोगी या रणवीर अरमान, जो जिस तरह आप लोग आपका यू नो माइंड वॉश किया था जब टास्क हुआ था, आखिरी जो टास्क हुआ था उसमें आपका माइंड बहुत वॉश किया था अरमान ने और कृतिका ने, तो क्या कहना चाहोगी? मेरी जो मेरी टीम थी, जो भी मेरी टीम थी, सना मकबूल, विशाल भाई, कटारिया भाई, हम लोग बैठते थे तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मैं मुझे प्राउड है कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते थे। लेकिन आपने फिर उनकी सारी हकीकतें बोल दी कि आपके बारे में, उन्होंने मुझे ये दोस्ती भी नहीं निभाई कहीं ना कहीं, ऐसा दोस्ती मैंने बहुत अच्छे से निभाई है। मुझे ये बोला गया था टास्क जब हुआ था, जब मैं अपनी टीम के साथ बैठी थी, टास्क सुन रही थी कि क्या टास्क है,
वहाँ पे फिर टास्क जब खत्म होता है तो अरमान भाई, टास्क करने का टाइम आता है तो अरमान भाई बोलते हैं कि इधर आ मैं तुझे बताता हूँ। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अरमान भाई मुझे ये बोले कि शिवानी अगर तूने बुराई नहीं की तो तुरंत की तुरंत घर से बाहर हो जाएगी तुझे। हमने कहा बुराई कैसे करनी, हमें तो पता ही नहीं, हमने ये भी बोला था। तब वो ये बोल रहे थे तुम्हें इनकी पोल खोलनी है, तुम इन्होंने किस घर के बारे में क्या बोला है क्या नहीं, तुमसे क्या बात की है। तो ये मैं थोड़ी समझ में नहीं आया मेरे कि ये शायद यही बात होगी जो उन्होंने बोला। टास्क की बात करें कि हाँ मुझे थोड़ा नहीं समझ में आता था, फिर जब बाद में पता चला तो हम सब तीनों लोग कैसे रो रहे थे, कैसे हम लोग एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे और फिर हम लोग एक दूसरे के चिपट के भी रो रहे थे, ये भी आप लोग देख सकते हैं। आपने बुराई जरूर की, आपने चलो वो टास्क को टास्क की तरह लिया, लेकिन मेजॉरिटी घर की आपको ही निकालना चाहती थी, जबकि मेजॉरिटी उस वक्त आपके साथ ही थी घर में कि हम आपके साथ है, क्या कहना। अब इसका क्या बोले कि अब ग्रुप ग्रुप में बैठते थे, अब उनको लगा कुछ लगा होगा इसलिए निकाल दिया, अब निकल गए तो अब उनकी हम बुराई क्या ही करें, वो मेरा ग्रुप था, मैं बुराई नहीं करूंगी। आप नहीं तो कौन निकलना चाहिए था, आप नहीं तो कौन। मेरी जगह पे कृतिका मलिक निकलनी चाहिए थी क्योंकि वो क्या कर रही है, हम तो उनसे बहुत अच्छा कर रहे थे, इंटरटेनमेंट कर रहे थे, हंसा रहे थे सबको। आपको नहीं लगता कि कृतिका, आपको छोटा अखबार का किताब दिया गया है, आपको नहीं लगता कृतिका बड़ा अखबार है इस घर की। बिल्कुल, क्योंकि उनको इसलिए नहीं बोला जाता था, आप लोग सभी जानते हैं कि अरमान भैया माइंड वॉश करने में बहुत उस्ताद हैं, तुरंत बातों में फंसा देंगे तुम्हें कि तुम ऐसी हो, वो तुम्हारे फेवर में बोल देंगे तो तुम पिघल जाओगी कि यार ये सही बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ, और जब उनकी पत्नी कुछ बोलती थी ना तो तुरंत उसको ये समझ के दबा दिया जाता था कि अरे ये तो गोलू है, गोलू को तो ऐसे ही बोलना आता, ये समझ के दबा दिया जाता था, जबकि वहाँ सबसे छोटे हम ही थे, सबसे छोटे थे और बात भी करते थे, सबको हंसाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बदतमीज का टैग भी शिवानी कुमारी को मिलता है। लास्ट टू क्वेश्चन शिवानी, आपसे जानना चाहूंगी, रणवीर जिस तरीके से आपसे ज्यादा झगड़े होते थे, आप उनकी चीजों को मना करते थे नहीं छूने का, फिर भी आप एज अ देखने के लिए, क्योंकि आपके लिए नया था सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आपके निकलने के बाद भी बीचिंग स्टार्ट रहती थी आपकी और सना मकबूल की दोस्ती को लेकर काफी ज्यादा सेपरेट करने की कोशिश की, दूरियां बनाने की कोशिश करने की कोशिश की गई थी। तो अभी रणवीर भी अभी भी बीचिंग करते हैं सना मकबूल का, तो आपको क्या लगता है रणवीर कैसे हैं रियल लाइफ में, मतलब वहाँ पर जो उनका गेम प्लान है कैसा लगता है आपको? गेम प्लान अब जैसे को तैसा, क्योंकि वो बैठते हैं अरमान भैया के साथ, जब इतने 50 साल के आदमी हैं वो उनके साथ बैठते हैं, उनकी दोनों की आपस में बहुत बनती जुलती है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के चाल पे वो भी चलेंगे। तो बस यही कहना चाहेंगे, अब जो भी कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, कि मुझे तो नहीं लगता कि बस अरमान भाई क्या ही बोले उनके बारे में। मैम आप बिग बॉस में विनर अभी किसे देख रहे हैं, टॉप 3 कंटेस्टेंट में किसे देखना चाह रहे हैं आप? टॉप 3 में मेरी टीम के दो लोग बचे हैं, सना मकबूल और कटारिया भाई, बाद में टॉप 3 में नेजी भाई भी आनी चाहिए। विनर किसे देख रही हैं आप? निकलने के बाद आप काफी नाराज हुए थे तो जी, दीपक भैया हुए थे आप, तो आप उनके साथ अभी आगे कैसे कनेक्शन रखने वाले? दीपक भैया से मेरी बात हुई निकलने के बाद, तुरंत हम लोगों ने बात की, वो मुझे हौसला दे रहे थे, जैसे कि घर में ही दीपक भैया मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि तुम बोलो, अपनी आवाज को मत दबाओ तुम बोलो, वही मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि शिवानी तुम उस इलाके से आती, वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिस इलाके से आती है उसकी टोन ऐसी है, तुम उसको आवाज को लेके मुद्दा मत बनाओ, वो हमेशा बोलते थे, वो मेरे सपोर्ट में थे बहुत ज्यादा। विनर किसे देखती हैं आप शिवानी? गाइस लास्ट क्वेश्चन, विनर मैं कटारिया भाई को देखती हूँ, और जो बस मुझे यही फील होता है कि जो मेरी पढ़ाई को लेके उन्होंने ऐसे बातें की, मुझे बदतमीज बोला सब कुछ, तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हूँ, जो भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन गरीब लड़कियों के लिए ये करूँगी, पढ़ाई का काम करूँगी, वो आगे बढ़ें, शायद कभी बिग बॉस में जाने का बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे मौका मिल जाए, तो वो जो भी मुझे देख रही है सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो सब लोग, मेरे पे जितना बन सकेगा, जितना भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा उन गरीब लड़कियों पे लगाऊंगी जो
पढ़ नहीं पा रही हैं। निजी भाई के साथ आपका ज्यादा बना नहीं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा बॉन्ड बनाने का ट्राई किया था लेकिन फिर भी आपका बॉन्ड नहीं बन पाया। जब आगे से मैं ही ट्राई कर रही थी, आगे से उनको वो लगता था ना कि ये शिवानी है ना समझ है, इसको क्या, इसको ही इजी टारगेट बनाते हैं, सबसे बना के चलते हैं तो घर से नहीं बेघर होंगे। तो अगर सबसे के साथ वो खराब कर लेते तो अभी तो वो बाहर हो जाते, इसलिए वो भाई सुमड़ी में खेल रहे थे। कूल, थैंक यू गाइस, थैंक यू।